साथियों, बहुजन समाज की एक बेटी अर्चना गौतम जो यूपी के मेरठ से रहने वाली है, हाल ही में बिग बॉस सीजन 16 चल रहा है और उसमें वो पार्टिसिपेट करने जाती है और उसके साथ में वही जातिगत चीज़ सामने आ ही जाती है। उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग किया जाता है। दो नमूने उनके खिलाफ़ कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, इसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस विषय में थोड़ा सा बात करेंगे, बने रहिएगा मेरे चैनल पर, मैं आपका दोस्त राजीव। चलिए अब बात करते हैं इसी मुद्दे पर। देखिए, बहुजन समाज के खिलाफ मनोवादी लोगों की जो सोच है वो आदिकाल से चली आ रही है, क्योंकि बहुजन समाज को आगे बढ़ते हुए मनोवादी व्यवस्था जो है ये नहीं देख सकती। मनोवादी लोग बहुजन समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि मनोवादी लोगों को पता है कि बहुजन समाज के बच्चे आगे ना बढ़े। उनकी सिर्फ यही सोच है कि मनोवादी लोग जो होते हैं ना, उनकी सिर्फ यही सोच है कि जो बहुजन समाज के बच्चे हैं वो वही काम करते रहें, वही झाड़ू पोछा कूड़ा करकट इसी चीज़ों के लिए बने हैं, एसटी समाज के लोग वही गटर साफ करें, ये इनकी सोच बस यहीं तक है कि मनोवादी समाज को ये चीज़ें चुभती हैं कि बहुजन समाज आज ऊपर उठ रहा है। और आज बहुजन समाज इतना ऊपर उठ चुका है और आगे बढ़ रहा है, और इसी चीज़ को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं मनोवादी कीड़े। यहाँ बिग बॉस सीजन जो चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश की अर्चना गौतम नाम की लड़की जो बहुजन समाज से बिलोंग करती है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है, और उनके सामने वही चीज़ जातिवादी चीज़ें सामने आ जाती है। दो नमूने कहने को तो सुपरस्टार हैं, लेकिन एक भनोत है एक और है दूसरा, वो उस बहुजन बेटी के साथ में गलत टिप्पणी का प्रयोग करते हैं। उनसे कहते हैं कि मैं बहुजन समाज के अछूत लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करता, इन लोगों की सोच छोटी होती है। अबे काहे की सोच छोटी होती है, मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ, छोटी हमारी नहीं तुम्हारी, तेरी सोच है जो तू बहुजन समाज को आगे नहीं बढ़ने देखना चाहता। तेरे साथ जो दूसरा नमूना, मैं उसको भी कह रहा हूँ इस चीज़ को, जो कहता है ना कि बहुजन समाज की बेटी के यहाँ से जाने के बाद मुझे शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अबे शुद्धिकरण तो तेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेरे दिमाग में जो गंदी चीज़ भरी हुई है ना, उसका शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। ज़माना आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, बहुजन समाज की बेटियाँ विदेश से मेडल लेकर आ रही हैं, ये तुम लोगों से सहन नहीं हो पा रहा है कि बहुजन समाज की बेटी आगे क्यों बढ़ रही है, तुम्हारे साथ क्यों बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर रही है, क्यों तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी हुई है, ये तुम लोगों से सहन नहीं हो रहा है। बस जातिवादी टिप्पणी करके ये सोचते हो कि वो यहाँ से चली जाए, और चली क्यों जाए, जब बाबा साहेब ने हर जगह खड़े होने का अधिकार हमको दिया है ना, उसके साथ पूरे बहुजन समाज का समर्थन है, बाबा साहेब अम्बेडकर का, बहुजन समाज के सभी लोगों का, महापुरुषों का आशीर्वाद उस लड़की के साथ है। ठीक है, ऐसा मत समझो वो लड़की अकेली आई है तो उसको तुम दबाकर और उसको वहाँ से भगा दोगे। बहुजन समाज की बेटियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, पढ़ लिख कर ऊँचे अहदे पर बैठ चुकी हैं, तुम क्या हो, तुम स्टार किसके बदौलत हो? अगर बहुजन समाज या और लोग तुम लोगों को टीवी पे देखना बंद कर दे, तुम्हारे औकात कुछ नहीं है, समझे? अगर तुम लोग स्टार बने हो ना तो पब्लिक की बदौलत हो, अगर पब्लिक तुम्हारे शो टीवी पर देखना बंद कर देना, तुम लोगों की कोई औकात नहीं है कि तुम खड़े होकर कहीं पर कुछ अपना जो प्रदर्शन है कर सको, कुछ नहीं हो। बहुजन समाज के बच्चों को, लड़कियों को इतना कमज़ोर मत समझो कि वो तुम्हारे इन टिप्पणियों का जवाब ना दे सकें। जवाब वो भी दे सकती है, लेकिन पापा साहब ने सिखाया कि मेरे बच्चों अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मामला राजस्थान के अंदर भी हुआ है, वहाँ पे भी देखा गया प्रेसिंग बॉडी बिल्डर जो बहन हमारी थाईलैंड से गोल्ड मेडल जीत कर आई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, अगर वो बहुजन समाज की बेटी ना होकर किसी क्षत्रिय पंडित ब्राह्मण या किसी और समाज से होती है ना, तो उसका जोर शोर से बाजे गाजे के साथ स्वागत होता, लेकिन बहुजन समाज की बेटी है इसलिए स्वागत नहीं हुआ, ना ही कोई मंत्री पहुंचा, ना ही कोई बैंड बाजा हुआ, ना ही कोई मनुवादी मीडिया पहुंची, ना ब्राह्मणवादी मीडिया वहाँ पहुंची कि उस लड़की का इंटरव्यू ले सके। क्यों? जलन साफ दिखता है कि बहुजन समाज की बेटी इतने ऊँचे पौधे पर कैसे पहुँच गई, जो लड़की घूंघट में रहती थी वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कैसे पहुँच गई, गोल्ड मेडल कैसे लेकर आ गई। ये मनोवादी लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है, इसलिए बहुजन समाज की बेटी का समर्थन करने, सहयोग करने, स्वागत करने नहीं पहुँचे। वो लड़की राजस्थान एयरपोर्ट से अपने घर अकेली आई। क्या इस देश के अंदर जो लोग बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके जीत कर आते हैं उनके साथ ऐसा सलूक होता है?
नहीं होता। यहाँ पर अगर कोई लड़की और होती ना, वो कुछ भी, चाहे वो कांचे मेडल लेकर आती, उसके लिए जोर शोर से मनुवादी दोनों धड़ाका करते हैं, या तो इस टीवी के अंदर जो है ना जोर शोर से धमाके धमाकेदार न्यूज़ दिखाते, ब्रेकिंग न्यूज़, इन्होंने ये जीता, उन्होंने वो जीता, इतने लोगों को पीछे पछाड़ा, ये है वो, ऐसी न्यूज़ टीवी के अंदर देते थे मनुवादी मीडिया। लेकिन बहुजन समाज की मीडिया है वो इस चीज़ को अपने छोटे छोटे चैनल के माध्यम से मेरी तरह आप लोगों तक पहुँचा रही है। तो ये चीज़ें, मनुवादी चीज़ें जो हैं सामने आती हैं, और बहुजन समाज को ये आगे नहीं देख सकते बढ़ते हुए। इन चीज़ों को हम सबको दूर करना है, हमारे बाबा साहेब ने जो हमें रास्ते दिखाए उनके ऊपर हमें चलना है। बहुजन समाज को ये मनुवादी लोग जो है आगे नहीं देख सकते बढ़ते हुए, इनके खिलाफ़ हम लोगों को खुद खड़ा होना होगा, और इनके जो सवाल होते हैं उनका जवाब हमें मुंह तोड़ देना होगा। क्योंकि जब तक ये सवाल उल्टे सीधे करते रहेंगे और हम उनका जवाब नहीं देंगे ना उस हिसाब से, उसी तरीके से, तब तक इनकी चुप्पी नहीं होगी। इसलिए बाबा साहेब के संवैधानिक दायरे में रहकर काम करो। हमारे तो बड़े बड़े महापुरुष बड़े बड़े काम कर गए, इन लोगों के जो महापुरुष हैं उन्होंने क्या करके दिखा दिया। आजकल बस वही चलता है इनका तो, कि बहुजन समाज को बस उठने मत दो, कहीं पे भी बहुजन समाज के बच्चे अगर उठना चाहते हैं तो उनको नीचे दबा दो। कभी राजस्थान के अंदर देखा जाता है, मेघवाल मामला देखा जाता है, पानी पीने के नाम पर बच्चों को मार दो, कभी किसी बेटी को मार दो, कभी किसी बेटी को आधी रात को जला दो, ऐसी चीज़ें सामने आती है। अगर उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है भीम आर्मी के द्वारा या और संगठनों के द्वारा, तो उनको गुंडागर्दी का नाम दे दिया जाता है कि तो गुंडागर्दी करते हैं, ऐसा कब तक चलेगा। तो भाई इन मनुवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और एकजुट होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे ना, तो ये मनुवादी व्यवस्था इस कदर हावी हो जाएगी कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। हमारे बच्चे उस आज़ादी से नहीं घूम सकेंगे जिस आज़ादी से आज हम घूम रहे हैं।